इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मोटरोला की तरफ से आने वाले दो फोन मोटरोला H20 फ्यूजन और मोटरोला G71 5G दोनों को अच्छे से कंपेयर करेंगे और जानेंगे कौन सा फ़ोन किसके लिए ज़्यादा बेटर है और कौन से फ़ोन में क्या बुराई है। तो दोनों का कंपेयर करेंगे, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, सारे सब्सक्राइबर्स को रिप्लाई हम जरूर करते हैं दोस्तों, तो चैनल भी प्लीज से सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले आप देख सकते हो मोटरोला H20 फ्यूजन थोड़ा सा बड़ा है G71 के मुकाबले, और इसके अंदर एक खासियत और है कि इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिल चुका है। H20 फ्यूजन की बात कर रहा हूँ, G71 के अंदर दोस्तों अभी एंड्रॉइड 11 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन H20 फ्यूजन के अंदर अपडेट आ चुका है एंड्रॉइड 12 का। दोनों के अंदर सेम बैटरी है 5000 mAh की, आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन डिफरेंसेस पहले देखेंगे। डिजाइन एंड लुक में भी बहुत ज़्यादा अंतर है दोस्तों दोनों के अंदर। G71 थोड़ा सा नॉर्मल सा लुक है, इसका जो डिज़ाइन है दोस्तों H20 फ्यूजन उससे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे डिज़ाइन आप देख सकते हो, कैमरा का सेटअप इस तरीके का है और मोटरोला के लोगों के ऊपर यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर है। लेकिन H20 फ्यूजन की बात करें तो दोस्तों उसका डिज़ाइन काफ़ी अलग है इससे, एकदम अलग लगता है। इसके अंदर आप दोस्तों देखोगे तो कैमरा सेटअप कुछ इस तरीके का है, दो कैमरा यहाँ दिए हुए हैं और एक कैमरा ऊपर की तरफ में साइड में लगा रखा है। फ्लैश दोस्तों मेरे को H20 फ्यूजन का ज़्यादा अच्छा लगा, फिंगरप्रिंट सेंसर इसके पावर बटन के ऊपर है। बाकी अब सिमिलर चीज़ों की बात करें तो एक जो थोड़ा सा अलग है वो ये कि G71 के अंदर 33 वोट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, और वहीं जो हमारा H20 फ्यूजन है उसके अंदर 30 वोट की फास्ट चार्जिंग है। दोनों को ही चार्ज होने में 1 घंटा 15 मिनट लगता है, चार्जिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोस्तों दोनों में ही। बाकी आपको बताऊँ G71 का डिज़ाइन मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये एकदम लाइट है, सिमिलर है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलती नहीं है, तो नॉर्मल है दोस्तों, लाइट वेट भी है ये फ़ोन। बाकी इस फ़ोन के अंदर जो सिम ट्रे है उसकी बात करेंगे, उससे पहले आपको स्पीकर बता दूँ, स्टीरियो वगैरह नहीं है इसका स्पीकर, नॉर्मल स्पीकर दिया गया है। और सिम ट्रे के अंदर आप केवल 2 सिम यूज कर पाओगे, माइक्रो एसडी कार्ड इसके अंदर लगाने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। H20 फ्यूजन की बात करूँ दोस्तों तो उसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, यानी कि आप एक माइक्रो एसडी कार्ड और एक सिम यूज कर सकते हो, या तो आप 2 सिम यूज कर सकते हो। डिस्प्ले की बात करें तो H20 फ्यूजन के अंदर 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ साथ POLED डिस्प्ले मिलती है, AMOLED जैसे एक्सपीरियंस देता है, लेकिन G71 के अंदर नॉर्मल केवल AMOLED डिस्प्ले है, कोई फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं है। G71 के अंदर आप देख सकते हो 695 का 5G प्रोसेसर है, नाम पे मत जाना, ये प्रोसेसर दोस्तों 7 सीरीज के प्रोसेसर से भी काफ़ी अच्छे हैं। इनके अंदर दोस्तों आप गेमिंग अच्छी खासी कर सकते हो, तो मोटरोला G71 के अंदर गेमिंग करना आसान है, आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। N22 बेंचमार्क स्कोर 370,000 के करीब आता है। अब मोटरोला H20 फ्यूजन से ये कैसे अलग है, मोटरोला H20 फ्यूजन के अंदर आपको डायमेंसिटी का 800U प्रोसेसर मिलता है जो कि वो भी 5G है, और उसका N22 बेंचमार्क स्कोर भी इसके लगभग करीब ही आता है। तो प्रोसेसर दोस्तों सिमिलर है, लेकिन कैमरे के मामले में प्रोसेसर जो है इसका बेटर है H20 फ्यूजन का, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप देख लो 108 मेगापिक्सल का सेटअप और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है H20 में, और G71 के अंदर दोस्तों 50 मेगापिक्सल का सेटअप है और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। इनके कैमरा सेटअप के अंदर नॉर्मल सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपको मैं बता दूं प्रोसेसर की वजह से आप H20 फ्यूजन के अंदर 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, लेकिन G71 के अंदर ऐसा नहीं कर पाओगे आप। कैमरे की बात करें तो H20 फ्यूजन का ज़्यादा बेटर कैमरा है दोस्तों, और स्पीकर मेरे को दोस्तों थोड़े लाउड लगे हैं G71 के H20 फ्यूजन के मुकाबले में। दोस्तों कैमरा मैं आपको साफ साफ यहाँ पर पहले ही बता दे रहा हूँ, H20 फ्यूजन का ज़्यादा बेटर कैमरा है। अगर कैमरे के लिए आपको फ़ोन लेना है तो H20 फ्यूजन लेना। बाकी दोनों के बीच में मैंने बहुत सारी डिफरेंसेस बता दिए हैं, सिमिलर चीज़ें भी बहुत सारी हैं जैसे कि बैटरी, और मोटरोला तो जो है दोनों के अंदर स्टॉक एंड्रॉइड देता ही है। एंड्रॉइड 12 का अपडेट आ जाएगा G71 में तो ये भी बेटर हो जाएगा, 16,000 रुपये का मिल जाता है ये G71, जिसके अंदर आपको सिमिलर जो है फास्ट चार्जिंग वगैरह देखने को मिलती है। बाकी दोनों के बीच में मैंने कंपेरिजन दोस्तों अच्छे से किया है, आपको अभी भी कोई डाउट हो तो बताना जरूर। G71 को तो लेकर दोस्तों बहुत सारी वीडियोज हमने बना रखी हैं चैनल पे, आप चेकआउट भी कर सकते हो हमारे चैनल पे। आप देखोगे तो G71, G62, बहुत सारे मोटरोला के फ़ोन्स, इन्फिनिक्स के फ़ोन, सब फ़ोन्स के जो हैं रिव्यूज़ वगैरह अवेलेबल हैं चैनल पे, तो चेकआउट ज़रूर करना। और इन दोनों के बीच में अभी भी कोई भी डाउट हो H20 फ्यूजन और G71 के बीच में तो कॉमेंट जरूर करना, सारे सब्सक्राइबर्स को हम रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले किसी काम की या टेक की वीडियो में।